टू द चैनल और आज हम आए हैं न्यूज रिपोर्टिंग करने जयपुर की क्षतिग्रस्त हालत दिखा रहे हैं आपको। ये बाइक दिखाइए, दिखाते हैं आपको एक बाइक। मतलब हमें दिल्ली जाना था आज, लेकिन हमें लगता नहीं हम आज पहुंच पाएंगे। आपको क्या विचार है इस बारे में? अभी हम आज क्षतिग्रस्त जयपुर की हम सैर कर रहे हैं। अगर हमें होटल वाले ने कह दिया हमारा तो आज की फुल बुकिंग है, आपको तो निकलना ही पड़ेगा, तो हम जाएंगे कहाँ? क्रेटा स्पेशियस, वीर जी की क्रेटा। मैं हमेशा से कहता था वीर जी को, वीर जी आपकी क्रेटा है छोटी, 10 जने नहीं बिठा सकती, क्या फायदा? आज हमारी वैगनार होती ना, 4 बंदों में फुल हो जाती। इतनी बड़ी गाड़ी 10 तो आनी चाहिए। अब हम 6 सुपर बाइक एक गाड़ी वाले गरीब बन जाएंगे। गरीब बन जाएंगे, बिल्कुल चीप वाले गरीब। जगह नहीं होती रहने के लिए। क्या हो रहा है? मतलब हमने माना हमें बारिश में चलाने में मजा आ रहा था, लेकिन यहाँ तो दिख रहा ही नहीं है। गाड़ी में नहीं दिख रही चला सकते। हमें लग रहा है हम आज का दिन एक्सटेंड करेंगे और हमारा जो नीम राना का स्टे था वो ठुक गया, हम सीधा घर ही जाएंगे। जो जो कल हमारा घूमना रह गया था ना वो हम आज घूमेंगे। नदी जा रही है यहाँ से। वाटर लॉकिंग एट अनदर लेवल। अ फ्यू इंचेस लेटर। तो ये है हमारा कुछ होटल, हमने आपको होटल नहीं दिखाया क्योंकि ना रूम्स काफी छोटे हैं और एक एक रूम में 20-20 जने घुसे हुए हैं हम। सो ये रूम की ये रूम साइज है। एक ये हमारे टांग चौड़े करके लेटे हुए हैं, एंड एक ये है, एक ये नीचे पड़े हैं। क्या ऐसे मत डालना भाई, लोग में अच्छा लगता है ऐसे। ऐसी डलेगा मैं आपकी बहुत अच्छी अच्छी डालूंगा फिर। एक ये है हमारी नीचे, ये इनको इनको तो ये बंदा खुद नहीं उठा, इसने हमें 6:30 बजे से अलार्म बजा बजा के उठाया है और मैंने इसके ऊपर टांग पार कर कर के बंद किए 3-4 बार। इनको तो दिखा दो स्पेशल गेस्ट, ये तो हिलते ही नहीं है भाई साहब। हाथ लगाना देखो, आपको चोंच मारेगी। कुछ नहीं मारे, सुबह से हाथ ही लगा रहा हूं। सुबह से हाथ लगा रहे हैं, कहां का लगाया? गंदा। Many months later. प्रमोशन दे रहा था मैं आपको। घूमते फिरते हम लोग आ गए हैं रेट्रो में। राइट नाउ इट्स 1, वी वर सपोज टू लीव एट 11, तो वो ऑलमोस्ट डिले होता जा रहा है और बारिश बहुत है। हमने सोचा था हम होटल को एक्सटेंड करा लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो होटल था ओवरबुक्ड। तो हमें वहाँ से उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, फटाफट से सामान उठा के बाहर निकल जाइए विद इज्जत। तो हम बाहर आ गए हैं। आई थिंक वील रीच नीमराना समवेयर अराउंड 5 or 6। सर 1:30 बज रहे हैं, मान लो अगर हम 2 बजे भी निकले, हाँ 4-5 बजे तक। 5 तो कम से कम, 5 से कम पहुँचेंगे। करेक्ट। और नीमराना हम जाएंगे जरूर क्योंकि वहाँ है पूल, रिलैक्सेशन और 1.5 किलोमीटर कम हो जाएंगे। बिल्कुल फन हो जाएगा। गलती हो गई, कोई बात नहीं। ओके, इंजन गार्ड लगवाया था तो ये बाइक बिकने के लिए है। अगर कोई लेना चाहता है तो कांटेक्ट करें। एक और है सर, एक और भाई, हमने इंस्टा पर स्टोरी डाली थी भाई की बाइक के लिए। यार अगर कोई लिखवा दो, मालिक Iron 883 2018 मॉडल, 2018 मैन्युफैक्चर्ड, ऑन सेल है सर, प्लीज कॉन्टैक्ट, प्लीज कॉन्टैक्ट। तो अपडेट इज की हम लोग जा रहे हैं नीमराना, बिकॉज यहाँ पे भी बैठे रहेंगे रेस्टोरेंट में भी तो कोई फायदा नहीं है, एंड बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ घूमने के लिए भी नहीं है। सो वील बी गोइंग देयर। ऋषभ हमें ज्वाइन करेगा रात में। वी डोंट वॉन्ट टू टेक द रिस्क, बट ये है ना, क्योंकि बाइक्स वगैरह है तो रात में चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तेज हो जाए तो हाईवे पे और दिक्कत, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हम सोच रहे हैं कि हम बाइक्स पे हैं तो हम तो निकल ही जाते हैं, एंड तो ऋषभ वगैरह का सामान ले जाते हैं हम, एंड ही विल जॉइन अस देयर। सो हम लोग जा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर हेल्पिंग एवरी यूट्यूबर आई नो। भाई ये सच बात है, इसका काम आप देखोगे तो बोलोगे। सो हैप्पी बर्थडे यार, मतलब अब बिलेटेड हो गया दोबारा से। सी यू। ओके बाबा बाय, मिलते हैं, आ जाना नीमराना। बाय बाय, ओके सी यू, हैव अ सेफ राइड। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर।
चलो जी लेट्स गो। What's up guys, welcome back to the moto vlogging setup. So अब टाइम आ गया है घर वापसी में आधा रास्ता तय करने का, मतलब हमारी सेकेंड ड्यू उस पर लोकेशन पे जाने का, वेयर वी आर स्टेइंग, दैट इज नीमरा ना, द राजमहल रिसोर्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम इज दिस, एग्जैक्ट नेम इज दिस। सो मजा आने वाला है, तो ये है पत्रिका गेट। थोड़ा सा बारिश की वजह से कभी कभी हो सकता है आपको बूंदे देखने को मिले हमारे व्यूइंग एंगल में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? ऑटो सब रुक गए भाई साहब, दो मिनट के लिए क्या खड़े हो जाओ, लोग भीड़ लगा लेते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बाइक्स मैन, अमेजिंग। बस सारे रुक गए भाई, सारे रुक गए। बस भी रुक गई। नो क्रेजी। This is life, man. Live it to the fullest. Enjoy your life. मजे करो यार, कुछ नहीं रखा फालतू की चीजों में। हम हैं नीमराने से समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स दूर, तो अभी हाईवे किंग आएगा, वहाँ पे थोड़ा खान पान करेंगे। तो आई एम राइडिंग H2 SX SE नाउ। Pickup is very thadu, the sound is amazing, और मतलब हल्का सा throttle देती गोली भाग रही है। Nice man, nice. हम चला रहे हैं H2 SX SE और हमारी जोया है इस साइड, चल रही है मस्त, कितनी प्यारी लग रही है चलती हुई, मतलब भाई सारी बाइकें एक तरफ और इस बाइक की रोड प्रेजेंस एक तरफ, मतलब आई कॉन्ट जस्ट इवन इमेजिन कि अगर इस बाइक में कोई चेंजेस आ गए तो इस लुक का क्या होगा। कई दिनों के बाद हमें सूरज दिखा है तो ऐसा लग रहा है वैम्पायर थे हम, बिल्कुल ही सन की वो नहीं हो रही थी हमें, व्हाट डू यू कॉल इट, दर्शन। और हमारा एक मित्र पीछे रह गया है तो वी हैव टू स्टॉप। तो खुशपाल जी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी भूसा चलाने में, हमने कहा कोई बात नहीं लाओ जी हमें दे दो, SX ही चलाइए आप। तो अभी तो फिलहाल हम गर्मी में खड़े धूप सेक रहे हैं।
जाते हुए रोड बहुत अच्छी है दिल्ली टू जयपुर, बट जयपुर टू दिल्ली इज़ वेरी 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 बैड और सारी ही ख़राब है। अभी तक तो नीमराना तक तो ऑलमोस्ट नीमराना इज़ लाइक 36-37 हो रहा होगा, बट जयपुर से नीमराना तक का अभी तक का सफ़र जो है बहुत ही गंदी सड़कों पे हुआ है। थोड़ा बहुत पैच है जो अच्छा है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, बट मौसम अच्छा है तो हमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं हो रही इन पैचेस की भी। कंपनी अच्छी है, अपने भाई लोग हैं, एकदम मतलब बेहतरीन तरीके से मस्ती करते हुए जा रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए कि ऑफ रिकॉर्ड भी हम आपके साथ बातें शेयर कर सकें, बट कुछ कुछ ऐसे पल होते हैं हमारे ट्रिप्स में जो हम ऑफ द कैमरा करते हैं, बिकॉज़ यार सब लोग भाई लोग भी कहते हैं ठीक है चलो सुबह से शाम तक आपने व्लॉग कर लिया एंड वी रिस्पेक्ट योर वर्क, बट यार अब रात का टाइम है 12 बजे के बाद का, यार भाई लोगों का टाइम है, आप कैमरा रख दो। और फुल जो उसके बाद बकर शुरू होती है उसमें कोई कितनी मर्जी एज का उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, और जो छोटा हो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, मतलब बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाला वेदर हो जाता है हमारे रूम के अंदर। यही चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि ये बाइकिंग ब्रदरहुड क्या चीज़ है। बाइकिंग की ब्रदरहुड ही नहीं, ब्रदरहुड मतलब एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है आपके साथ रोड पे उन बंदों के साथ, मतलब व्हाट एल्स डू यू नीड। रोड पे आप चल रहे हैं अपने भाई लोगों के साथ, और वो भी ऐसे भाई लोग जो मतलब बस मस्ती के अलावा कुछ और जाते ही नहीं है, बस हर टाइम मस्ती सूझती है, तो यार मज़ा ही आ जाता है ऐसी रोड ट्रिप का। एंड यस मैनी थिंग्स कांट बी शेयर्ड ऑन द कैमरा बिकॉज यार सबका अपना अपना पर्सनल एक पब्लिक इमेज होती है, वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये मैं बता दूँ, जो जितनी एज में बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा लेवल का बकर होता है ग्रुप में। सो देयर इज़ आर रिसोर्ट राजमहल इन नीमराना, सो वी आर वेटिंग फॉर आर गड्डी टू कम एंड जॉइन अस। तो अगर आप लोग कभी भी नीमराना की साइड आते हैं और यू आर गोइंग टूवर्ड्स जयपुर और आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं, दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, तो यू कैन कम टू द राजमहल रिसोर्ट इन नीमराना। मतलब ये एक राइट हैंड पे एक पहाड़ी आती है, तो आपको समझ में बहुत लोकेट करने में आसानी होगी। दिस लुक्स लाइक दिस, द मेन गेट लुक्स लाइक दिस। हाँ फोन आ गया, क्या बात है। तो दिस इज आर रिसोर्ट, आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। दीज आर दी कॉटेजेस ओवर हियर, और सामने है रूम्स, वेरी स्पेशियस, वी हैव अ स्विमिंग पूल आल्सो, सो एनी टाइम यू कैन कम। बाइक्स के लिए भी आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी, मतलब पार्किंग हमारी पर्सनल है बट यहाँ तक लाना अलाउड नहीं है, बट इफ़ यू कम ऑन सुपर बाइक्स और एंड ऑल तो हम आपको यहाँ पे अलाउ करवा देंगे, आप आ सकते हैं, अपना ही रिसोर्ट समझें। सब लोगों से कहेंगे घुमा के खड़ी करेंगे,